गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमेशा दुआ करती हूँ अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। और सबसे पहले तो मैं बाहर का व्यू दिखाऊं। ये देखिए, सॉरी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं। ये देखिए एज यूजुअल बारिश। तो बस मेक्सिको से हम आ गए हैं वापस। मेक्सिको से वापस आ गए हम लोग, और दो तीन दिन तक मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं, किसी तरह की भी नहीं कर पाई, ना कुकिंग की, ना डेली की रूटीन की, कुछ भी नहीं। क्योंकि आते ही बीमार हो गई मैं काफ़ी, क्योंकि एकदम से वेदर यहाँ बहुत ज़्यादा -8 में -6 में चल रहा था, तो वहाँ वेदर बहुत अच्छा था और चेंज हुआ, और यहाँ तो बहुत स्नो, ये सारी चीज़ों में, इसलिए दो तीन दिन तक तो बीमार रही। और शुक्र है खुदा का आज बहुत बेहतर हूँ। तो गला बहुत ख़राब है, तो बस आज बस क्रिसमस की तैयारियाँ। ये मेरी बेटी की शादी की लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है, तो बस वो क्रिसमस की तैयारी है, तो वो इन चीज़ों को भी लेके अब सेलिब्रेट करना है। हमारा बहुत शॉर्ट ट्रिप था वहाँ पे, 5-6 दिन का सिर्फ आना जाने था, लेकिन हमने जितना एंजॉय कर सके हमने बहुत एंजॉय किया। और ये है कि उतना वीडियो मैं नहीं बना पाई जितनी बनानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे खुद भी एंजॉय बहुत करना था, तो जितनी कोशिश हुई मैंने वीडियो मैंने बनाई है, और आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। और अपलोड मैंने एडिटिंग कर ली है, एडिटिंग कर ली है, तो वो मैं टाइम टू टाइम डालती रहूँगी। तो आज की जो रूटीन होगी मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले घर को मैं क्लीन करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं खुद फ्रेश होंगी, फिर हम लोगों ने जाना है अपनी सिस्टर मार्था के घर मिल्टन के, तो उन्होंने घर पे इनवाइट किया है, तो हम लोग जाएंगे आज उनके घर। फिर उसके बाद जो भी क्रिसमस की जो भी होगी रूटीन, में सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी टाइम टू टाइम। तो चलिए मैं पहले घर को क्लीन कर लूँ। जी देखिए, क्लीनिंग मैंने कर ली है पूरे घर की। और ये देखें यहाँ पे गिफ्ट्स आपको अब कितने नज़र आ रहे हैं, 3 सिर्फ गिफ्ट्स हैं, ये 3-4 गिफ्ट्स रह गए हैं, और सबको ऑलमोस्ट दे चुके हैं, तो बाकी ये रह गए हैं, तो उनको आज और कल हम दे देंगे। तो जैसे जैसे क्रिसमस करीब आता है गिफ्ट्स कम होते जाते हैं। तो चलें ठीक है, मैं फ्रेश होती हूँ, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलें जी, मैं हो गई हूँ फ्रेश, तो बस अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे, ज़रा सा मेरी बेटी भी रेडी हो जाए, क्योंकि रात तो हो गई है काफ़ी, तो इसलिए तो चले जो भी रूटीन होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस हम निकल रहे हैं, ये है मेरी सिस्टर का क्रिसमस, और मिठाई हम लेंगे रास्ते में से लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से।
जी, तो माता के घर पहुंच के मिल लिए और मैंने कहा चलो थोड़ी सी डेकोरेशन दिखा दूँ, क्रिसमस की तैयारियाँ। लाइट ऑफ कर, लाइट ऑन करो, नहीं लाइट ऑन करके चले, लाइट ऑफ जी। क्रिसमस ट्री बड़ी मेहनत की अभी अंजुला ने, सर्दी मतलब है कि 20-25 टेंपरेचर ओल पाकिस्तान आ गई है, तो विंटर पाकिस्तान कराची वाला वेदर है, लग रही है अभी कराची से आ दे वो अच्छा टी तो नो। मार्था ने, मार्था टेबल से सेट कर भी लिया बिस्किट लेने, चॉकलेट लेने, नट्स लेने, थोड़े से लेने, मैं तो खाऊंगा। कभी तो दिखाओ, चेंज कर लिया इसका लाइट का, वीडियो मेरा मुंह पतला पतला आता है, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ वाकई मजा आता है। इतनी भी कैमरे की सफाई नहीं, मेरा मुंह पतला है वैसे जी। हाँ ऐसे मछली फ्राई कर रहे हैं, फिश फ्राई कर रहे हैं, मुँह में पानी आ रहा है वैसे तो। वैसे इतने कांटों वाली फिश जो है ना, मज़े की वो अरसे बाद खाई है। चले जी, बेनिफिट्स कौन बता रहे हैं इसके? क्या बता रहे हैं? बालों के लिए और दिमाग, विटामिन डी, विटामिन ब्रेन, ओमेगा 3 है ना, दिमाग के लिए। ताहे ताहे साढ़े दिमाग तेज बहुत चल रहे हैं। ये घर की रोटी चपाती, अच्छा ये फिश वाली, फिश की है ना, चलेगी इमली की चटनी, इमली की चटनी और ये चिकन अचार, अचार अचार चिकन, चिकन अचार, ये बिरयानी और ये है रायता, ये देखिए रूम खाली हो गया, हम लोग जा रहे हैं सारी टेबल खाली करके खा पी के, बस दिक्कत है। चलेगी मार्था लोग, जी तो हम लोग घर वापिस आ गए हैं, वहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने और बहुत एंजॉय भी किया, लेकिन वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वो सब लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो वहाँ नहीं बनाई, बस थोड़ी सी किचन की और थोड़ी सी टेबल डाइनिंग टेबल की, अदरवाइज हम लोगों ने बहुत टाइम साथ स्पेंड किया, मज़ा किया, मस्ती की। तो फिर आते आते काफ़ी टाइम हो गया और रास्ता काफ़ी लॉन्ग है, तो इसलिए जर्नी काफ़ी लॉन्ग है, तो इसलिए
काफ़ी टाइम हो गया, तो बस थोड़ी देर पहले ही हम लोग आए हैं। तो बस छोटे से आज बहुत ही छोटी सी मेरी वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर की। तो बस ऐसे ही है, बिजी बिजी लाइफ है तो इसलिए ज़्यादा एवरी टाइम कैमरा हाथ में रख के वीडियो नहीं बना सकती। कभी कभी बहुत क्विक आपको काम करना पड़ता है, तो इसलिए चलें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर। फिर किसी नई वीडियो, नए व्लॉग, नई रेसिपी के साथ आपके सामने फिर मैं हाज़िर होंगी। टेक केयर, बाय बाय।